महाराष्ट्रातील सत्तेत आम्ही कोणतीही ठोस निर्णय घेऊ शकत नाही तर आम्ही केवळ सरकारला सपोर्ट करत असल्याचं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलेलं आहे. राहुल गांधी यांनी COVID-19 वाढत्या प्रकरणासंदर्भामध्ये पत्रकार परिषद घेतली. या दरम्यान पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी हे बोललेलं आहे. पाहूयात नेमके राहुल गांधी काय म्हणाले. कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स वो अब देंगे आप. मेन थ्रस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ. 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए. सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है. ये मेन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रस्ट था. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. और जैसे रणदीप जी ने कहा, ये हम पीरियोडिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे. पिछली बार जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा, इस बार आपको चांस मिल गया. अगली बार और भी लोगों को हम चांस देंगे. धन्यवाद, नमस्कार.